हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स मज़े में होंगे। दोस्तों, कल आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा कि CSS क्या होता है। मैं आज फिर उसको दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर हम कल या तो इंटरनल या इनलाइनर CSS के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ HTML के टैग्स रिवाइज करवा देती हूँ, जिनमें आपको कुछ चंद बातों का ध्यान रखना है। देखिए, चार टैग ऐसे टैग हैं HTML के जो बिल्कुल कंपलसरी टैग कहलाते हैं। कौन सा? एक तो HTML का पहला टैग लेस HTML ग्रेटर, और दूसरा लेस हेड ग्रेटर, तीसरा लेस टाइटल ग्रेटर। फिर टाइटल देके उसे अब जब बंद करेंगे तो लेस के बाद स्लैश आता है, तो लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर। लेस पहले लेस टाइटल ग्रेटर जब करके आप टाइटल दोगे तब ये करोगे लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, फिर लेस स्लैश हेड ग्रेटर। अभी लेस के बाद यहाँ स्लैश आ रहा है तो ये क्लोज ओरिएंट टैग। फिर आप HTML टैग और बॉडी टैग और HTML टैग को लास्ट में क्लोज करते हो, सबसे लास्ट में। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। ये एक बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात का ध्यान ये रखना है आपको कि हम जब भी कोई हेडिंग लेबल देते हैं HTML पेज में, तो हम लेवल सिक्स तक हेडिंग दे सकते हैं। हम 7, 8, 9, 10 ऐसे हेडिंग्स नहीं दे सकते, ठीक है। और तीसरी बात का ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन में एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हो, तो बॉडी का ग्रेटर हटा के स्पेस करके वहाँ एट्रीब्यूट इस्तेमाल करो। मैंने आपको अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट बताई है। लिस्ट आइटम का लेस li ग्रेटर रहेगा, ul अनऑर्डर लिस्ट के लिए है, और ol जो है वो ऑर्डर लिस्ट के लिए है, और बाकी लेस और ग्रेटर लगेगा, और जहाँ स्लैश लेस के बाद स्लैश आएगा जब क्लोज होगा। दो तरह के टैग मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो क्लोज नहीं होते, एक इमेज टैग और एक आपका लाइन चेंज टैग। लेस br ग्रेटर ये कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। मैंने आपको टेबल बताई है, उसमें आपको बकायदा मैंने कॉलम मर्ज करना और हाइडर कॉलम्स रोज बहुत ही तफसील से मैंने आपको टेबल के बारे में बताया, उसको भी याद रखिए। मैंने आपको लिंक, बटन, इमेज क्या कुछ नहीं बताया, सभी कुछ मैंने आपको बताया है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तक बताया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई कन्फ्यूज़न अब होना चाहिए। और लास्ट में हमेशा बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज करते हैं जब हम किसी फाइल यानी पेज के लिए जो फाइल बनाई है उसको सेव करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन देके हम उसको सेव करते हैं कोट में, और फाइल टाइप में हमेशा ऑल रखते हैं ताकि वो हमारा ब्राउज़र में फाइल रन कर सके। हम हमेशा सिंपल फाइल को यूज़ करते हैं, इसके लिए हम नोटपैड को करते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी मैंने आपको HTML के बारे में बहुत ही ब्रीफली यानी बहुत ही शॉर्ट में बताया जो मैंने आज तक आपको करवाया है, और वे इंतहा चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, बटन वटन सब बता चुकी हूँ, ठीक है। तो HTML में अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन अब हम CSS विद HTML पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में कल मैंने आपको ये बताया था, जिसे मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग की बात की, चाहे वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है यानी कोई एट्रीब्यूट है, या वो फिर आपका हेडिंग फॉर्मेटिंग है यानी कि कुछ भी है, यानी कि आप मान लीजिए आपने आपको लिंक जनरेट करना तक बताया है, कुछ भी वॉट एवर जो भी हमने चीज़ें बताई हैं, और उनमें जो फॉर्मेटिंग की है HTML के अंदर, अगर उस फॉर्मेटिंग को कोई कलर देना है, स्टाइल देना है, कुछ यूनिकनेस देना है, यानी किसी भी तरह अगर हमें उसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? CSS का। किसका? CSS का। क्या होता है CSS? तो CSS होता है कैस्केड, कल ही बताया था मैंने आपको, क्या बताया था जल्दी बताइए, CSS की आप फुल फॉर्म रिवाइज कीजिए, ठीक है। मैं आपको बताया था कैस्केड सीट होता है, ठीक है, जिससे आप फॉर्मेटिंग करेंगे, तो फॉर्मेटिंग को नहीं करेंगे, नहीं इंटरेक्टिव बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, कोई भी कलर देना, स्टाइल देना, जो फॉर्मेटिंग कर चुके हैं उसको, हर सेक्शन को HTML पेज यानी HTML के हर सेक्शन को आप एक न्यू स्टाइल दे सकते हैं CSS के थ्रू। और मैंने आपको यहाँ तीन तरह का CSS बताया था, इनलाइनर CSS,
इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और ये तीनों बेसिक सीएसएस में आता है। क्या आता है? बेसिक सीएसएस में आएगा। इतना तो मैं आपको बता ही दूंगी जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। तो ये कल भी बताया था मैंने, लेकिन आज मैंने कुछ और रिवीजन करा दिया ताकि ना तो आप एचटीएमएल को भूलें ना सीएसएस को। अब हम थोड़ा सा तफसीली, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कल की क्लास पे सीएसएस के बारे में, कि हमने जो कहा है इंटरेक्टिव या अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो ये बात कहाँ तक सही है। थोड़ा सा हम सीएसएस को हल्का सा डीपली पढ़ेंगे और इसी तरह एचटीएमएल की तरह आपको एक एक चीज़ के बारे में तफसीली इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ताकि आपको ये बेसिक सीएसएस विद एचटीएमएल यूज़ करना आ जाए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जो चीज़ें बताई हूँ सबका रिवीजन कर लीजिए, ये तो आपको सिर्फ सुनना ही सुनना है जो मैंने आज और कल बताया है, लेकिन बाकी जो चीज़ें बताई हैं टैक्स के साथ उनका रिवीजन कीजिए, ताकि आपका परफॉर्मेंस ख़राब ना हो और आपका एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो जाए। तो ओके, सी यू टुमारो, टेक केयर, थैंक यू सो मच।